स्वागत है आप सभी का बिहार खबर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलबीटी कॉलेज जो बक्सर में स्थित है, एलबीटी कॉलेज में होगी स्नातक विज्ञान की पढ़ाई। जिले में स्नातक विज्ञान पढ़ाई से हर वर्ष छात्र छात्राओं को सीट फुल होने के बाद जिले से बाहर जाना पड़ता था, जो अब इस समस्या का समाधान शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कॉलेज में 2021 सत्र से स्नातक विज्ञान संकाय के पास एवं प्रतिष्ठा संकाय की पढ़ाई स्वीकृति के बाद हो गई। इसको लेकर सरकार से महाविद्यालय को संबंधन प्राप्त हो गया है। सरकार से संबंधन सत्र 2021 से 24 के लिए प्राप्त हुआ है। राज्यपाल सचिवालय के पत्र के अनुसार विभिन्न निहित प्रावधानों के अनुसार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कॉलेज बक्सर को स्नातक विज्ञान संकाय के प्रस्तावित विषयों में शैक्षणिक सत्र 2021 से 24 के लिए पास एवं प्रतिष्ठा स्तरीय विषयों की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्धारित सत्र में संबंधन को लेकर सरकार के उप सचिव शिक्षा विभाग अरशद फिरोज ने कुल सचिव वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा को संबंधन देने को लेकर पत्र जारी किया है। ज्ञात हो कि जिले में महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय व प्रवण चटर्जी के बाद छात्र छात्राओं को बाहर के जिले में जाना पड़ता था। वहीं संबंधन प्राप्त होने के बाद महाविद्यालय के कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नेवा कुमारी ने बताया कि महाविद्यालय में के पूर्व प्राचार्य व नर्व देश्वर राय द्वारा वर्षों से स्नातक विज्ञान संकाय की पढ़ाई के लिए प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों के बाद अब सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। तो जी हां, बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत अच्छी खबर है। एलबीटी कॉलेज बक्सर में स्नातक विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो जाएगी इस वर्ष, यानी कि सत्र 2021 से 24 तक ये सत्र शुरू हो चुका है। आप सभी के लिए, नए विद्यार्थी और नए युवक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बक्सर जिला में एलबीटी कॉलेज में स्नातक विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे ही फटाफट खबरें बक्सर जिले से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक